एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड ब्यूटी करी। मैं हूं आपकी दोस्त अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सर शेयर करने वाली हूं अर्थरीथम का एक प्रोडक्ट। तो जो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अर्थरीथम का पैशन फ्रूट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है और ये कहते हैं कि 100% ऑर्गेनिक है। पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह की आती है, मतलब पिंकी सी, पिंक और वाइट सी पैकेजिंग है। ये आउटर पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट बताया गया है, वो है पैशन फ्रूट सीड ऑयल लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक है और ये क्रूल्टी फ्री है। 15 ml का प्रोडक्ट आता है और इसका जो प्राइस है वो है 499 rupees पर। अर्थरीथम पे ये सेल चल रही है तो मैंने इसे जो है वो 50% डिस्काउंट पे बाय किया है, तो मुझे 200 समथिंग का पड़ा है, 200 के अराउंड। तो आउटर पैकेजिंग जो है बिल्कुल वैसी जो है वो इनर पैकेजिंग आपको मिल जाएगी। ग्लास बॉटल में आता है, एक ड्रॉपर के साथ आता है। इट्स अ काइंड ऑफ जैसे ऑयल होता है वही है, बट जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी का है, यू कैन सी, बट ये एब्जॉर्ब हो जाता है थोड़े से टाइम के बाद। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जो एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में, सेकेंड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी स्किन को देता है बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो जो हमें चाहिए होता है। तो नॉर्मल डेज पे मैं इसे जो है वो 2 times a day यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में, मतलब नाइट टाइम में। तो आई फील माई स्किन मोर ग्लोई। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन जो है मुझे बहुत ज़्यादा ग्लोई फील होती है, बहुत ही हाइड्रेटेड जो है वो फील होती है। स्किन जो है वो मेरी थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, खिची खिची सी लगने लगी थी, बट जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा जो है मॉइस्चराइज मेरी स्किन रहती है। और इसमें जो है कोई भी फ्रेगरेंस नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस फेशियल ऑयल। मतलब बहुत सारे ऑयल जो होते हैं उसमें फ्रेगरेंस होती है, फ्रेगरेंस मीन्स मतलब केमिकल होते हैं, तो इसमें फ्रेगरेंस नहीं है, दैट मीन्स लेस केमिकल। तो केमिकल नहीं है इसलिए ये जो ऑयल है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और ये वाला ऑयल उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जिन्हें मतलब फ्रेगरेंस से एलर्जी है। तो अगर आपको भी एलर्जी है जो फ्रेगरेंस से, तो डेफिनेटली ये ऑयल जो है वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब 1-3 drops लेके आपको अच्छे से मसाज करना है, इसे स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है और उसके बाद उसे लीव कर देना है ओवरनाइट। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो बहुत कम प्रोडक्ट लीजिए और उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करिए स्किन में और मसाज कीजिए और उसे एब्जॉर्ब करिए स्किन में। और इसे आप नाइट टाइम ही यूज़ करिए। जो स्किन है वो ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली 2 बार इसे दिन में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड ऑयल। मैं जब से इसे यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी सी लगती है और आई डोंट फील एनी ड्राइनेस ऑन माई फेस। और इसके अलावा ये जो नेचुरल ग्लो भी देता है, आप इसे जो है अपने बेस में मिक्स करके लगा सकते हैं। इस वक्त मैंने जो है अपने बेस में इसे मिक्स करके लगाया हुआ है और मतलब मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली जो ग्लो होता है वो ऐसा लगता है। सो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसे यूज़ किया हुआ है। और अर्थरीथम के प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट हैं तो आपको डेफिनेटली इन्हें ट्राई करना चाहिए। सो गाइज, अगर आपने ऑलरेडी इसे ट्राई किया हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।